नमस्ते सभी को। आज ये मेरा नया क्लास है। आप लोग यहाँ सभी के लिए ये है जो नया लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं या संस्कृत में जिनका अरुचि है, उन लोगों के लिए है जो संस्कृत का कुछ वस्तु का नाम या शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये मैंने आज वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग देखिए, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है संस्कृत शब्दांजलि, संस्कृत शब्दांजलि, संस्कृत शब्दों का अंजलि। तो देखिए यहाँ जो पहला पाठ चैप्टर नंबर एक एक में लिखा है प्रकृति पदार्थाः, अर्थात प्रकृति की चीजें, प्रकृति में बहुत सारा चीज है, उनमें से यहाँ प्रकृति के बारे में दो एक या चार पांच जैसे शब्दों यहाँ उल्लेख किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सूर्याहा, 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 इसको हिंदी में सूर्य और इंग्लिश में तो सन, ये जानते हैं सब। संस्कृत में सूर्य को सूर्याहा ऐसा उच्चारण करना चाहिए, सूर्याहा, ये पुंलिंग शब्द है, सूर्याहा, सन, सन को सूर्याहा कहते हैं, और इसका जो सनलाइट है सूर्य रश्मि, सूर्य आतपा, हाँ सूर्य आतपा ऐसे भी बोल सकते हैं, रश्मि यानी आतपा, सूर्य प्रकाशः ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर देखिए ये रात का एक तस्वीर है, ये रात का एक पिक्चर है, रात का एक चित्र है, वहाँ एक चंदा भी दिखाई दे रहा है, तो चंद्रहा, हाँ चंद्रमा यानी चंद्रहा, इसको चांद, हिंदी में चांद और इंग्लिश में मून कहते हैं, मून, तो संस्कृत में चांद को चंद्रहा, चांद को चंद्रहा, ये भी पुंलिंग शब्द है। फिर देखिए यहाँ नक्षत्राणि, नक्षत्राणि, नक्षत्राणि यानी तारे, स्टार्स, स्टार्स इंग्लिश में स्टार्स और हिंदी में तारे, नक्षत्राणि, ये भी नक्षत्रम, नक्षत्रम, नक्षत्रे, नक्षत्राणि, ये बहुवचन शब्द है, मतलब आकाश में तो एक तारा नहीं रहता है ना, बहुत सारा रहता है, इसलिए नक्षत्राणि, जैसे हम देख सकते हैं एकम द्वे त्रीनी चत्वारी पंच षाट सप्त अष्ट नव, हाँ बहुत सारा है। फिर यहाँ देखिए क्लाउड, क्लाउड बोलते हैं इंग्लिश में, क्लाउड ये बादल है, बादल का चित्र है, तो बादल को संस्कृत में मेघाहा, मेघाहा, बादल को संस्कृत में मेघाहा कहते हैं, ये भी पुंलिंग शब्द जैसा ही है। फिर देखिए दो पेड़, हाँ ये मिट्टी, ये बिजली कड़क रही है तो ये सब क्या है, विद्युत, विद्युत, बिजली, हिंदी में बिजली और संस्कृत में विद्युत, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये चला गया हम लोगों का, ये प्रकृति ही, प्रकृति का, प्रकृति का चीज। अभी पार्ट टू में देखिए, पार्ट टू यानी चैप्टर नंबर दो, चैप्टर नंबर दो में लिखा है बिहगाहा, बिहगाहा यानी पक्षी, बिहगाहा पक्षी, हाँ वार्ड्स, इंग्लिश में वार्ड्स और संस्कृत में बिहगाहा और हिंदी में हम बोल सकते हैं पक्षी, पक्षी, यहाँ बहुत सारा पक्षी का नाम है, यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ,
पहला देखो, काला काला, हाँ, पेड़ के ऊपर, पेड़ के जो शाखा है, शाखा में बैठा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं कौआ, कौआ बोलते हैं। क्रो, 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 इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? संस्कृत में बोलेंगे का कहा, का कहा, का कहा पश्यति, का कहा खादति, का कहा गच्छति, का कहा उड्डयति, का कहा उपविशति, ऐसे बहुत सारा बोल सकते हैं। शू कहा, हाँ, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। हाँ, शू कहा, हिंद शू कहा, इसका हिंदी मीनिंग क्या है? तोता, ये तोता है, तोता, तोता, यानी संस्कृत में शू कहा, जिसको इंग्लिश में पैरोट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरोट। नेक्स्ट, ये संस्कृत, संस्कृत में इसको बोलते हैं, ये कि छोटी सी ये पक्षी है, हाँ, छोटी सी ये पक्षी, इसको बोलते हैं चटकहा, हाँ, चटकहा, चटकहा यानी चिड़िया, चिड़िया, चिड़ा या चिड़िया, जैसे कोक स्पैरो, कोक स्पैरो, और चिड़िया बोलते हैं इसको, लेकिन संस्कृत में चटकहा। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है ये चित्र, देखकर ये संस्कृत शब्दों को याद रखने का बहुत ही सुंदर ये प्रयास है हमारा। तो ये भी हम देख सकते हैं, ये मोर, हिंदी में क्या कहते हैं? मोर, मोर, लेकिन संस्कृत में मयूरहा, और इंग्लिश में, इंग्लिश में पीकॉक, पीकॉक, इंग्लिश में पीकॉक, लेकिन हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे? संस्कृत में बोलेंगे मयूरहा। तीनों शब्दों को याद रखने का जरूरी है, जैसे मोर, पीकॉक, तो दोनों शब्द तो ऑलरेडी सबको मालूम ही है, लेकिन संस्कृत में जो नया है, ये सब चीज़ों का नाम, ये पशु पक्षियों का नाम याद रखना, हाँ, हमारे लिए जरूरी होता है। इसीलिए मोर का संस्कृत है मयूरहा, मयूरहा इस शब्द से तद्भव शब्द मोर। हाँ, कपोतहा, कपोतहा, यानी कबूतर, 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 पिजन, कबूतर, कबूतर शब्द जो है वो कपोतः इस शब्द से तद्भव होकर उत्पन्न हुआ है, तद्भव होकर, तो हिंदी में कबूतर और संस्कृत में कपोतः। फिर आगे देखिए, आगे ये जो सामान्याः जीवाः, सामान्य प्राणी के बारे में यहाँ चित्रित किया गया है। ये हमारा लेसन 3, यानी चैप्टर 3, पार्ट 3, तो इसमें देखेंगे क्या लिखा है, ये क्या चित्र है, आप देखकर भी बता सकते हैं। ये है खरगोश, खरगोश है जो घास खाता है, हाँ, खरगोश, खरगोश, खरगोश को संस्कृत में क्या बोलेंगे? शशा कहा, शशा कहा, इसको हार भी बोलते हैं, HARE, शशा कहा, खरगोश, खरगोश को संस्कृत में क्या कहेंगे? शशा कहा। यह है, इसको देखकर ही पता चलता है कि ये चूहा है, तो चूहा, चूहा को संस्कृत में क्या बोलेंगे? मूषक कहा, मूषक कहा, संस्कृत में मूषक कहा, यानी RAT, रट, RAT, रट, रट यानी चूहा। नेक्स्ट, ये तो सबके घर में होता है, लेकिन संस्कृत आप लोग जानते नहीं है, हम भी अभी आप लोग एक जानने का प्रयास करते हैं, हम लोग इसको तो सभी जानते हैं, लेकिन कुत्ता, कुत्ता बुलाते हैं, संस्कृत में क्या होगा? संस्कृत में कुत्ता,
कुक्कुरहा, कुक्कुटहा भी बोल सकते हैं, कुक्कुरहा भी बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पर ट भी उच्चारण कर सकते हैं, कुक्कुटहा अथवा कुक्कुरहा। इसका और भी नाम है शुनकहा, शुनकहा भी बोल सकते हैं, कुक्कुरहा भी बोल सकते हैं, कुक्कुटहा भी बोल सकते हैं। तो ये कुत्ता शब्द का संस्कृत है कुक्कुरहा, ये भी जानना जरूरी है। फिर देखिए, हाँ, छिपकली क्या है ये? छिपकली, छिपकली लिजार्ट, हाँ लिजार्ट, लिजार्ट यानी छिपकली। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रिकल आसाहा, संस्कृत में क्रिकल आसाहा। सबके घर में होते, ज्यादातर ये छिपकली या क्रिकलास ये हम लोग घर में रात के समय में देख सकते हैं, वॉल में हो और ऊपर में छत पर हो, दिखाई देता है। छिपकली जहाँ लाइट होता है वहाँ पर आके ये पूरा लाइट के सामने घूमता रहता है, खाने के लिए, वो कीड़ा को खाने के लिए। ये तो सबका बहुत प्यारा है। हाँ, इसको हम लोग बिल्ली, बिल्ली कहते हैं, बिल्ली। तो बिल्ली को बिडालहा, बिल्ली को बिडालहा यानी बिल्ली। सभी जानते हैं कैट, कैट इंग्लिश में कैट, लेकिन संस्कृत में बिडालहा, हिंदी में बिल्ली। फिर ये देखो, ये यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है? पाठ चार, यानी चैप्टर नंबर चार। यहाँ भार बाहकाः पशवः, जो भार ढोने वाले पशु, भार उठाने वाले पशु, जो भार लेकर जा सकता है, ऐसा पशु। जो अब पहले तो गाड़ी नहीं थी, तो अभी गाड़ी का जमाना आ गया है, तो ये पशु भी उनके काम से वो मुक्त हो गया है। लेकिन हम लोगों को तो याद रखना है, तो हम देखते हैं ये, इसका सभी जानते हैं ये कौन है। हाँ, सभी लोग जानते हैं ये तो, ऑक्स, ऑक्स यानी वृषावाहा, संस्कृत में वृषावाहा। इसको बैल भी बोलता है, ऑक्स भी बोलता है, लेकिन संस्कृत में वृषावाहा। और बलिवरदाहा ये भी बोल सकता है, बलिवरदाहा, लेकिन ये वृषावाहा है, संस्कृत में वृषावाहा। और एक शब्द है बलिवरदाहा, बलिवरदाहा। फिर ये घोड़ा, घोड़ा यानी हॉर्स। क्या बोलते हैं? हॉर्स, हॉर्स, घोड़ा, घोड़ा, संस्कृत में अश्वहा, संस्कृत में घोड़ा को अश्वहा कहते हैं। यह भी बहुत, ये संस्कृत जो नाम है बहुत ही मतलब इजी है, इजी नाम है, याद रखने जैसा है, बहुत ही है। हॉर्स, हॉर्स से सबसे आसान तरीका अश्वहा, अश्वहा, अश्वा बोलने से हो जाता है अश्वा। घोड़ा हिंदी में घोड़ा, इंग्लिश में हॉर्स, लेकिन संस्कृत में अश्वहा। फिर ये देखकर ही पता चलते हैं, ऊंट बोलते हैं, कोई ऊंट, ऊंट, हिंदी में ऊंट और संस्कृत में उष्ट्रहा। हिंदी याद हो गया मतलब संस्कृत भी याद हो जाएगा, आप लोग हिंदी तो जानते ही है, तो ऊंट, ऊंट की जगह में क्या उच्चारण करेंगे संस्कृत में? उष्ट्रहा। संस्कृत में ये एक अच्छा चीज है, सिर्फ हा लगा दीजिए संस्कृत हो जाएगा। नहीं तो कोई कोई बोलते हैं कि जो उच्चारण नहीं हो रहा है हिंदी में वो तो संस्कृत शब्द है, ऐसा नहीं है, संस्कृत भी उच्चारण लायक है, उच्चारण कर सकते हैं। जैसे ऊंट से उष्ट्रहा, ऊंट उष्ट्रा, उष्ट्रहा यानी कमेल, हिंदी में, इंग्लिश में कमेल। तो गजहा, ये तो बहुत ही हाथी, हाथी,
हाथी, हाथी को संस्कृत में गजहा। ये भी बहुत, ये सब याद रखने का ये है, बहुत ही सुंदर तरीका है। चित्रों को देखिए और शब्दों को याद कीजिए, शब्दों को पढ़िए। ये क्या है? ये तो गाधा है, ये तो वो भार वहन कर सकता है। गाधा, गाधा को, गाधा को डोंकी, डोंकी, लेकिन संस्कृत में खराहा, संस्कृत में खराहा बोलते हैं। तो ये देखिए, सभी भार वहन, भार लेकर जा सकता है। जैसे वृषभ, ये भी हाल जोतते हैं, हाल जोतने में ये सब भार वहन करके ले जाता है। अश्वहा, ये तो पहले घोड़े के ऊपर ही लड़ाई होता था, आदमी को लेके जाता था फौज को, अभी भी है। उष्ट रहा, ये हमारा जो, ये जो राजस्थान में है, राजस्थान में भी उष्ट या ऊंट दिखाई देता है, उष्ट। हाथी, हाथी तो जंगल में पाया जाता है। गजहा, हाथी को संस्कृत में गजहा। और गाधा अभी जो जंगल में ही मिलेगा, लेकिन गाधा तो अभी दिखाई नहीं देता है, इसीलिए गाधा यानी संस्कृत में खराहा। फिर देखिए, हाँ, शाकाहारी नहा वन्य जीवाहा। शाकाहारी, शाकाहारी यानी शाकाहारी जंगली प्राणी। शाकाहारी जो पत्ता, फूल, पेड़, मूल, जड़ खाके जीवित रहते हैं, उसको बोलते हैं शाकाहारी। शाकाहारी यानी जो पत्ता, फूल, पेड़ या जड़, ये सब खाकर जो जीवित रहता है उसको बोलते हैं शाकाहारी जीव, शाकाहारी जंगली प्राणी। शाकाहारी जंगली प्राणी, ये क्या है? बंदर, बंदर, हाँ, मंकी। बंदर यानी संस्कृत में क्या कहते हैं? बाना रहा, बाना रहा, वाना रहा। संस्कृत में बंदर यानी वाना रहा। फिर ये देखिए, ये आदमी जैसा लगता है, ये आदमी जैसा है, वन में रहने वाला है लेकिन आदमी जैसा है। देखो ये हो रही, ये हाथ, हाथ जैसा लग रहा है, ये आदमी जैसा, हाँ, मनुष्य जैसा लग रहा है। तो इसका नाम क्या है? वन मानुष, हाँ, वन मानुषहा, वन मानुषहा, इसको वन मानुषहा कहते हैं संस्कृत में। गोरिला, ये तो गोरिला है, गोरिला यानी गोरिला भी बोल सकते हैं, चिंपन भी बोल सकते हैं, चिंपंजी। तो इंग्लिश में तो हो गया गोरिला, चिंपंजी, हिंदी में हो गया, हिंदी में हो गया, क्या बोलेंगे हिंदी में चिंपंजी को? हाँ, वन मानुष। लेकिन संस्कृत में क्या होगा? वही हिंदी शब्दों को संस्कृत बनाने के लिए पीछे विसर्ग का प्रयोग करना है। वन मानुषहा, वन मानुष से वन मानुषहा हो गया। ये क्या है? हिरन, ये हिरन, ये सभी अभी तो उद्यान में बहुत ही दिखाई देता है। हिरन, हिरन को थोड़ा सा उल्टा करना है, हरिनहा, हरिनहा। इसका और एक नाम है, और एक नाम क्या है? मृगहा। और एक नाम है मृगहा। हरिन यानी हरिनहा यानी मृगहा, ये दो नाम संस्कृत में है, हरिनहा मृगहा। इसका हिंदी नाम क्या है? हिरन, हिरन बोलते हैं। और डीर, डीर भी बोलते हैं, डीर इंग्लिश में, डीर, DRR, डीर। फिर ये तो सभी सभी लोग जानता है, ये तो आसामिस में गाहुरी बोलते हैं, फिर बंगाली में शुअर बोलते हैं, फिर हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं सुअर, सुअर, सुअर बोलते हैं। लेकिन हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे? संस्कृत में बोलेंगे शू, शूका रहा, शूका रहा, शू का रहा, शू का रहा। नेक्स्ट, ये क्या है?
ये तो बहुत ही बड़ा प्राणी है, खतरनाक भी है देखने से। हाँ, अगर देखेंगे ये बहुत ही खतरनाक है, पूरा मोटा शरीर है। क्या है ये? इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं गेंडा। गेंडा बोलते हैं हिंदी में, गेंडा। लेकिन ये हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे? गेंडा से गंड कहा। गेंडा से गंड कहा। और इसको बंगाली में बोलते हैं गंडार। गंडार, गंडा से संस्कृत में गंड कहा। नेक्स्ट, हिंसराहा पशवः, जो वन में रहने वाला हिंसक पशु, इसके बारे में हम लोग ये 6 अध्याय में या 6 पाठ में पढ़ेंगे। ये क्या है? लायन, इसको बोलते हैं लायन, इंग्लिश में लायन, यानी शेर, हिंदी में शेर, हिंदी में शेर। तो ये भी बहुत ही इजी है, शेर यानी सिमहाहा, शेर यानी सिमहाहा। इसका भी और एक डबल ह का उच्चारण करना चाहिए, सिमहा सिमहाहा, सिमहाहा ऐसे। फिर ये क्या है? ये तो बाघ है, ये तो बाघ। बाघ को संस्कृत में व्याघ्रहा, बाघ को संस्कृत में व्याघ्रहा यानी टाइगर। लेकिन संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? संस्कृत में बोलते हैं व्याघ्रहा। यह याद रखना है, बाघ से व्याघ्रहा, सिंह से शेर से सिंहा, भालू। हाँ, हिंदी में हम लोग बोलते हैं भालू। भालू ये भी इजी है, हिंदी में भालू। तो संस्कृत में क्या होगा? थोड़ा सा उच्चारण करना होगा, भल्लू कहा। हमेशा ये जो 2 पॉइंट है, इसका इसका ह उच्चारण करेंगे, उसका ह उच्चारण करेंगे। भालू से भल्लू कहा। भालू से भल्लुक शब्द उत्पन्न नहीं हुआ है, भल्लू कहा इस शब्द से हिंदी में भालू शब्द का उत्पन्न हुआ है। इसको वो बोलते हैं तद्भव शब्द, अर्थात वहां से उत्पन्न। भल्लू कहा यानी भालू, संस्कृत में भल्लू कहा, हिंदी में भालू। नेक्स्ट, वृकहा। वृकहा ये बहुत बहुत सारा लोग या बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी नहीं है। वृकहा यानी क्या? भेड़िया, भेड़िया, उल्फ, उल्फ, इंग्लिश में उल्फ, हिंदी में भेड़िया, और संस्कृत में क्या बोलते हैं? वृकहा। ये खतरनाक है, बहुत ही ये डराने वाला है। इसीलिए इसको वृकहा इस नाम से जाना जाता है संस्कृत में। तो जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भेड़िया, भेड़िया यानी वृकहा। ये हाँ, ये तो सभी बोल सकता है, मगरमच्छ। हाँ, ये तो देखते ही आप लोग बोल देंगे ये तो मगरमच्छ है। तो मगरमच्छ को संस्कृत में क्या कहते हैं? हम तो पार्क में या उद्यान में, वन में जब घूमने जाता है मगरमच्छ को, तो देखते ही है। तो इसको क्या कहते हैं मगरमच्छ को? क्रोकोडाइल को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो क्रोकोडाइल को संस्कृत में मकरहा, संस्कृत में मकरहा, ये याद रखना है। मगरमच्छ इतना दूर उच्चारण करने का जरूरत नहीं है, मगर फिर माच, ऐसे उच्चारण करने का जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट बोल दीजिए संस्कृत में, ये तो मकरहा है, मकरहा। फिर हम लोग वृक्षा, वृक्षा के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा ये 7वां चैप्टर में, हाँ, चैप्टर नंबर 7। इसमें वृक्षाहा, वृक्ष के बारे में यहाँ लिखा गया है। ये देखिए, हम लोग तो गांव में बहुत सारा पेड़ देख सकते हैं, लेकिन पेड़ का नाम भी हिंदी में मालूम है या अदर्स लैंग्वेज में मालूम है, लेकिन संस्कृत में नाम कैसा है, क्या है?
ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो थोड़ा सा और यह ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं यहाँ यहाँ इसी तरीके से प्रयास किया हूँ, संस्कृत में पेड़ के बारे में जानने के लिए। जैसे यहाँ तो लिखा नहीं है, जैसे ये क्या है, ये तो पत्ता है ना, ये तो पत्ता है, पत्ता को संस्कृत में क्या कहते हैं, पर्णम, पर्णम कहते हैं, प ऐसे पर्णम, पर्णम यानी पत्ता। लेकिन इसका शाखा को शाखा भी बोल सकते हैं, शाखा भी संस्कृत शब्द है, शाखा यानी इसको, ये तो शाखा है ना, ये शाखा है, तो शाखा को शाखा बोल सकते हैं, शाखा संस्कृत शब्द ही है, वो हिंदी में भी सेम है। तो इसका प्रशाखा भी बोल सकते हैं, प्रशाखा ये भी बोल सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग कांड भी बोल सकता है। फिर नीचे जो रहता है जड़, जड़ यानी मूल, हम लोग मूल बोल सकते हैं। तो छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए ये कौन सा वृक्ष है, हाँ ये कौन सा वृक्ष है, देखकर ही पहचान पाते हैं हम लोग, ये वृक्ष है वटहा, वट वृक्ष, बट का पेड़, बट संस्कृत हिंदी में क्या कहते हैं, बट 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 वृक्ष, बट बट का पेड़, तो संस्कृत में वट वृक्ष, बट। नेक्स्ट देखिए पिपल, आहा क्या लिखा है, पीपल, पीपल का पेड़ है ये पीपल का पेड़ है, पीपल, पीपल आहा, पीपल हिंदी में पीपल लेकिन संस्कृत में पीपल आहा, यानी पीपल का पेड़। हॉली हॉलीफिक ट्री। नेक्स्ट, अरे ये तो आम है, आम को संस्कृत में क्या कहते हैं, आम को संस्कृत में आम्रम, आम्रम भी बोल सकते हैं, आम्रहा ये भी बोल सकते हैं, तो यहाँ लिखा है आम्रहा, लेकिन इसका आम्रम भी बोल सकते हैं, आम्रम फलम, आम्र फलम, ऐसे फल को फलम, आम को आम्र, आम्र फलम, ये तो आम है, आम यानी आम्र फलम संस्कृत में। तो ये आम्र वृक्ष, ये आम का पेड़ है, ये बीज 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 में बीज 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 में जो है ये सब आम है, ये आम्र वृक्ष, बट वृक्ष, पिपला वृक्ष, आम्र वृक्ष, आम्र फलम, ये देखिए ये कौन सा पेड़ है, ये देखिए पता, छोटा 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 पता है, ये गांव में हर जगह में ये पेड़ है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नीम, नीम का पेड़, हिंदी में नीम का पेड़। तो संस्कृत में बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आसान है, नीम से, नीम तो उच्चारण कर ही रहा है हम लोग, नीम से निम्बहा, संस्कृत में निम्बहा। फिर ये हाँ अशोक, ये अशोक का पेड़ है, अशोक संस्कृत हिंदी में इसको बोलते हैं अशोक का पेड़, तो अशोक को संस्कृत में अशोक कहा, सिर्फ विसर्ग को प्रयोग करेंगे और ह का उच्चारण करेंगे, अशोक कहा। नेक्स्ट ये देखिए, ये तो सब चंद है, हाँ ये सब तो आप लोग जानते ही है, क्या लिखा है, फल, हाँ बहुत सारा फल है, फलानी, फलम फले फलानी, एक वचन में फलम, द्विवचन में फले और बहुवचन में फलानी, ये मैं संस्कृत में बताया। अभी ये 8वां चैप्टर में ये देखिए, ये सब जानते हैं, सेव, सेव, सेवम, क्या बोलेंगे, सेवम यानी अपल, अपल, ये मैंगो यानी आम्रम, क्या बोलेंगे, आम्रम। अभी तो गर्मी के समय में
हाँ मधुर, इतना अमृत जैसा फल मिलता ही नहीं कहीं पर भी। टाउन में जाइए, गांव में जाइए, आम जैसा मधुर फल होता ही नहीं है। इतना मधुर है, इतना अमृत अमृत भी है। तो इसलिए आम्रम, आम ये तो पका हुआ आम है। हाँ आम्रम, संस्कृत में आम्रम। सेव को बहुत इजी, सेवम माँ हलंत लगा दीजिए, हो जाएगा संस्कृत। हाँ सेवम से सेव, सेवम। फिर ये, अरे ये तो केला है, हाँ इसको बोलते हैं कदली। कदली यानी केला, फलम यानी फल, कदली फलम। एक साथ उच्चारण करेंगे, कदली फलम ऐसे। नेक्स्ट, अरे ये तो अमृत है, ये तो पका हुआ अमृत है। हाँ अमृत अमृत है, ये क्या बोलते हैं, नाशपाती। नहीं, ये तो नाशपाती है, अमृत नहीं है। अमृत जैसा लग रहा था लेकिन अमृत है नहीं, ये नाशपाती जैसा है। हम लोग बोलते हैं ना नाशपाती, तो ये नाशपाती पियर, और इसको संस्कृत में बोलते हैं अमृतो फलम, अमृत फलम। नाशपाती को संस्कृत में अमृत फलम। फिर अरे ये तो नारियल है, नारियल। हाँ ये तो कोकोनट है, ये तो कोकोनट, और हिंदी में नारियल कहते हैं इसको, तो संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत में नारी केलम, संस्कृत में नारी केलम। नेक्स्ट, पुष्पानी यानी फूल, पुष्पानी यानी फूल। क्या लिखा है, क्या देखकर क्या पता चलता है ये कौन सा फूल है? हाँ देखकर ये पता चलता है, ये कमल, लोटस, ये कमल फूल है। तो हो गया भाई, आप हिंदी में कमल उच्चारण किया तो संस्कृत में क्या बोलेंगे, कमलम। माँ हलंत लगा दीजिए, हो जाएगा संस्कृत शब्द कमलम। तो लोटस यानी कमल को संस्कृत में कमलम। नेक्स्ट, ये देखिए ये तो सभी जानते हैं, हाँ गुलाब, हिंदी में गुलाब। रोज, इंग्लिश में रोज कहते हैं, लेकिन भाई गुलाब, गुलाब फूल को या रोज को संस्कृत में क्या कहेंगे, ये भी जानने का विषय है। तो संस्कृत में कहेंगे शतपत्री। क्या कहते हैं, शतपत्री। शत यानी 100, पत्री यानी पत्ता। तो इसका जो ये है क्या बोलेंगे, इसे फूल, फूल में जो छोटा 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 ये जो पापड़ी है इसको पत्री, तो शतपत्री। तो याद रखना है गुलाब को संस्कृत में शतपत्री। अरे ये कौन सा फूल है, ये कौन सा फूल है, ये देखा चमेली। हिंदी में चमेली। हाँ जस्मिन फ्लावर, जस्मिन फ्लावर इंग्लिश में, और हिंदी में चमेली। तो इसको, चमेली को संस्कृत में बेला, 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 बेला यानी चमेली, जस्मिन फ्लावर। फिर ये कौन सा फूल, ये तो दिखा हुआ लग रहा है। हाँ ये इसका पेड़ बहुत बड़ा बड़ा होता है, गांव में मिलता है, कांटा भी रहता है। तो ये क्या लिखा है, कौन सा फूल है, लिखा है चंपकम। चंपकम यानी हिंदी में, अच्छा चंपकम यानी हिंदी में चंपा। हिंदी में आप लोग चंपा उच्चारण कीजिए तो उसका संस्कृत होगा चंपकम। बहुत ही इजी है, हिंदी आपको मालूम है मतलब इसका संस्कृत भी मालूम होगा। चंपकम यानी चंपा। ये कौन सा फूल है, ये है केसु, केसु बोलते हैं हिंदी में, केसु, हिंदी में केसु फूल है ये, तो संस्कृत में
किंग शुकम। हिंदी केसु मालूम है? हिंदी अगर केसु मालूम होगा तो ये संस्कृत भी आपको मालूम होगा, केसु यानी किंग शुकम। तो ये गया हम लोगों का फूल के बारे में। कमलम, शतपत्री, बेला, चंपकम, किंग शुकम। कमल, कमल से कमलम, गुलाब से शतपत्री, और ये चमेली से बेला, फिर चंपा से चंपकम, केशु से किम शुकम। ये फिर आ जाइए शाकानी। शाकानी यानी सब्जियाँ। सब्जियाँ तो सब याद रखता है कि सब्जी सब्जियाँ, तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं सब्जियाँ को? सब्जियाँ को शाकानी यानी सब्जी यानी शाक। हाँ, शाकानी। यहाँ पर भी हम लोग सीख सकते हैं, सब्जी ले सब्जियाँ लिखा है, तो सब्जियाँ को संस्कृत में शाकानी। मैं सब्जियाँ सब्जियाँ लाने जा रहा हूँ। हाँ, तो क्या बोलेंगे संस्कृत में? शाकानि आने तुम गच्छामि। शाकानि आने तुम गच्छामि। फिर ये देखिए इधर, ये 10वां जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10th में, ये क्या है? देखकर ही आप लोग बोल सकते हैं। गांव में रहने वाला आदमी तुरंत पहचान लेगा ये। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मटर। हिंदी में मटर और संस्कृत में कला, कलायः, कलायः। मटर यानी कलायः। ये तो देखकर ही पता चलता है, ये तो क्या है, कुमरा है। कुमरा बोलते हैं इसको। कुमरा है, तो कुमरा को या स्क्वाश को कुमरा यानी पेठा, पेठा भी बोलता है, कुमरा भी बोलता है, स्क्वाश यानी कुष्मांडुकम। कुष्मांडुकम क्या बोलेंगे संस्कृत में? कुष्मांडुकम, कोहरा से कुष्मांडुकम। फिर ये क्या है? देखकर ही पता चलता है ये क्या है। हाँ, इसका इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये है हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं घिया भी बोलता है, घिया। हिंदी में घिया भी बोलते हैं। और पम्पकिन, इंग्लिश में पम्पकिन, पम्पकिन, पम्पकिन यानी तुम्बी, तुम्बी। लाऊ भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर लाऊ भी उच्चारण करते हैं, लाऊ। लाऊ है, लाऊ यानी पम्पकिन। फिर संस्कृत में क्या बोलेंगे? संस्कृत में बोलेंगे तुम्बी। फिर इसको क्या बोलेंगे? हाँ, ये तो बैंगन है, बैंगन। हाँ, बैंगन को क्या बोलेंगे? बैंगन को बोलेंगे इसको तो ब्रिंजल बोलता है ना, इंग्लिश में ब्रिंजल, बैंगन। संस्कृत में वृंताकम, वृंताकम। इसको, ये तो करेला है, ये तो करेला है, करेला। ये बिटर वेजिटेबल, करेला। कारवेल्लम संस्कृत में बोलते हैं, कारवेल्लम। संस्कृत में कारवेल्लम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है? कंद शाकाने, कंद सब्जियां यानी कंद सब्जियां यानी कंद शाकाने। मूल 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 जो शाक हम लोग खाते हैं, जड़ 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 जैसा जो शाक हम लोग खाते हैं उसको बोलते हैं कंद शाकाने। जैसे आलू, आलू तो आलू पेड़ का एक जड़ ही होता है। आलू को, पटेटो को संस्कृत में आलूकम। आलू या थे मतलब संस्कृत में आलूकम। ये तो अदरक है भाई, अदरक को, तो अदरक को बोलेंगे अदरक। अदरक को अद्र, आर्द्रकम। क्या लिखा है? आर्द्रकम, यहाँ तो लिखा नहीं है। अच्छा ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। इसको बोलेंगे आर्द्रकम।
इसको बोलेंगे आर्द्रकम, आर्द्रकम यानी अदरक। फिर ये क्या है, ये तो है ये गृंजनम, इसको बोलते हैं संस्कृत में गृंजनम। गृंजनम यानी ये है गाजर, कैरोट। हाँ, वह करेट, कैरोट, गाजर यानी गृंजनम। फिर ये क्या है, ये तो मूला है। हाँ, ये मूली भी बोलते हैं हिंदी में, मूली, मूली, मूली यानी मूलकम, मूलकम। ये मूल जड़ है इसलिए इसको मूलकम, मूलकम से मूली, हिंदी में मूली। और ये गाजर को गृंजनम, गाजर गृंजनम, मूली मूलकम। ये क्या है, और ये तो क्या है, इसको बोलते हैं जिमीकंदा, जिमीकंद। ये सूरनम, जिमीकंदा, जिमीकंद यानी सूरनम। फिर आपका खाद्यानि शाकानि, कच्ची खाने यज्ञ सब्जियां, जो कच्चा कच्चा खाते हैं ना, कच्चा सब्जियां जो खाते हैं वो सब्जियां, कच्ची खाने वा, जैसे इसको रसोई घर में ले जाने का कोई जरूरत ही नहीं है, यानी आग में पकाने का जरूरत ही नहीं है, कच्चे खाने यज्ञ सब्जियां। जैसे ये क्या है, देखिए यह क्या है, इसको बोलते हैं तरबूज, वाटरमेलन, तरबूज। तरबूज का संस्कृत में कालिंदम, तरबूज यानी कालिंदम, तरबूज हिंदी में, संस्कृत में उच्चारण करेंगे कालिंदम। ये क्या है, ये है खरबूजा, 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 खरबूजा यानी खरबूजम, तरबूज यानी कालिंदम, खरबूजा यानी खरबूजम। फिर नीचे देखिए, हाँ, ये क्या है, यह है ककड़ी, यह है ककड़ी, ककड़ी यानी करकटी, ककड़ी यानी करकटी, करकटी, ककड़ी, ककड़ी हिंदी में, संस्कृत में करकटी। ये क्या है, हाँ, ये तो खीरा है, गोड, खीरा, खीरा को संस्कृत में बोलेंगे त्रपूसम, त्रपूसम। देखिए लिखा है त्रापूसम, त्रपूसम। अरे ये तो प्याज है, प्याज को संस्कृत में पलांडुहू, प्याज को संस्कृत में पलांडुहू। अभी देखो पठन सामग्री, पढ़ाई का सामान, पढ़ाई का सामान, पठन सामग्री यानी पढ़ाई का सामान। क्या लिखा है, पुस्तकम, ये हम लोग किताब, किताब ऐसा उच्चारण करते हैं, यानी पुस्तक भी बोलते हैं, पुस्तक। तो इसको हम लोग संस्कृत में क्या बोलेंगे, हिंदी में अगर पुस्तक है तो संस्कृत में बोलेंगे पुस्तकम। सिर्फ मा हलंत आपको जोड़ना है, इंग्लिश में बुक। और ये क्या है, ये तो पेन है, पेन यानी पेन से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, इसलिए लेखनी, पेन से हम लोग लिखते हैं इसलिए लेखनी। ये क्या है, ये तो कॉपी है, ये तो कॉपी है, हाँ कॉपी, नोटबुक है। तो नोटबुक में हम लोग क्या करते हैं, नोटबुक में हम लोग विद्या को संचित करके रखते हैं, संचय करके रखते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग संचिका, नोटबुक यानी संस्कृत में संचिका, नोटबुक को संस्कृत में संचिका कहेंगे। तो आज से भूलना नहीं है, नोटबुक यानी संचिका, पुस्तक यानी पुस्तकम, पेन यानी लेखनी।
ये तो ब्लैक बोर्ड है, ये तो ब्लैक बोर्ड है। तो ब्लैक बोर्ड को संस्कृत में क्या कहेंगे? तो ब्लैक बोर्ड यानी श्याम पटहा, ब्लैक बोर्ड यानी श्याम पटहा, ब्लैक बोर्ड को श्याम पटहा बोलेंगे, ये याद रखना है। पटहा और इसका कलर है श्याम, इसलिए श्याम पटहा। ये क्या है? ये तो तूली है, तो तूली को संस्कृत में तूलिका, तूलिका ऐसे उच्चारण करेंगे। तो पढ़ाई का सामान पुस्तक यानी पुस्तकम, पेन से लिखते हैं या इसलिए लेखनी, विद्या का संचय करते हैं नोटबुक में इसलिए संचिका, फिर ब्लैक बोर्ड यानी श्याम फलकम, तूली से हम ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग करते हैं इसीलिए तूलिका। फिर देखिए आ गया हम लोग चतुर्दश अध्याय में, यहाँ लिखा है कर्म कराह यानी कारीगर, कर्म कराह यानी कारीगर, जो जो जिस चीज का काम करता है उसको उस नाम से ही बुलाते हैं। तो ये देखिए 14 अध्याय में आर्टिशियंस, क्या बोलते हैं आर्टिशियंस, तो कर्म कराह आर्टिशियंस, इसका पहला है सुनार, गोल्ड स्मिथ, सुनार जो सोने को अलग अलग ढंग से तैयार करते हैं, नेकलेस बनाते हैं, बहुत सारा अलंकार तैयार करते हैं, तो इसको सुनार को क्या बोलेंगे? स्वर्णकारहा, 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 स्वर्णकारहा अंगुलीयकम रचयति, स्वर्णकारहा अंगुलीयकम निर्माणम करोति, स्वर्णकारहा माला रचयति, ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ, लोहकारहा, लोहकारहा जो लोहार है, जो लोहार है, हिंदी में लोहार, संस्कृत में लोहकारहा, लोहकारहा अस्त्रम निर्मायति, लोहकारहा यानम निर्माणम करोति, लोहकारहा लोहार। फिर देखिए ये क्या लिखा है, माली, गार्डनर, माली, माली फूलों के ऊपर पानी देते हैं, फूल फूल का परिचर्या करते हैं, इसलिए माली को संस्कृत में माला का रहा, माली को संस्कृत में माला का रहा। फिर कुंभम करोति, ये है कुम्हार, कुम्हार पोटार, कुम्हार यानी पोटार, पोटार को संस्कृत में क्या कहेंगे? कुंभकारहा, पोटार यानी कुंभकारहा। ये के कौन है? ये तो मोची है, शू मेकर है, मोची शू मेकर, शू ठीक करते हैं, शू तैयार करते हैं, तो इसको बोलेंगे चर्मकारहा, चमड़ा से काम करने वाला आदमी को चर्मकारहा यानी मोची। तो ये लोहा से, लोहा का काम करने वाला कर्म लोहा का रहा, सोने का काम करने वाला स्वर्ण का रहा, ये जो घट बनाते हैं उसको बोलते हैं कुंभ का रहा, और माली को माला का रहा, और ये जूता सिलाई करने वाला को बोलते हैं चर्म का रहा। फिर देखिए ये लिखा है कर्म का रहा दो, कर्म का रहा दो, कारीगर रहा, इसको बोलते हैं कारीगर रहा, कारीगर, या क्या बोलेंगे इसको, सेम है आर्टिशियंस ही है, तक्षकः, तक्षकः यानी कारपेंटर, कारपेंटर का जो काम करता है घर में, हर घर बनाने के लिए कारपेंटर चाहिए, तो कारपेंटर यानी संस्कृत में क्या बोलते हैं? तक्षकः, संस्कृत में तक्षकः, इसको बढ़ई, बढ़ई भी बोलते हैं हिंदी में बढ़ई, और इंग्लिश में कारपेंटर
यानी तक्षक, जो कांट से घर निर्माण करते हैं। फिर ये कौन है? ये तो धोबी है। धोबी का क्या काम है? धोबी का काम है वस्त्र शुद्ध करना, वस्त्र पवित्र करना, यानी वस्त्र का धो के अच्छे से उसका क्लीन करना। तो धोबी का काम है सुखाना, वस्त्र को धोना, धो के सुखाना, फिर मालिक के पास जाके देना। तो इसको क्या, धोबी को संस्कृत में क्या बोलेंगे? धोबी को बोलेंगे राजा कहा, धोबी यानी राजा कहा। राजा कहा वस्त्रम प्रक्षालयति, धोबी वस्त्र प्रक्षालन करता है। राजा कहा यानी धोबी, यानी वाशरमैन। फिर ये तो दर्जी है। दर्जी का क्या काम है? नया नया कपड़ा बनाना, नया नया वस्त्र निर्माण करना, ये दर्जी। दर्जी यानी टेलर, उसको संस्कृत में बोलेंगे सौची कहा। संस्कृत में सौची कहा, दर्जी को सौची कहा। ये तो पहले से ही कपड़ा का मशीन लेकर बैठा है, इसको क्या बोलेंगे? ये है हिंदी में जुलाहा। हिंदी में बोलते हैं जुलाहा, इसको संस्कृत में बोलेंगे तंतुवायहा। संस्कृत में तंतुवायहा, जुलाहा को संस्कृत में तंतुवायहा। ये देखिए ये कौन है? ये तो नाई है। नाई बराबर, बराबर को संस्कृत में नापीतहा, नाई नापीतहा। फिर क्या लिखा है यहाँ? यहाँ लिखा है यानानी, यानानी सवारियाँ। ये क्या है? ये तो रेलगाड़ी है। ये रेल यानम, यानी शकट यानम भी बोल सकते हैं। शकट यानम, शकट यानम भी बोल सकते हैं, शकट यानम भी बोल सकते हैं। रेल यानम यानी शकट यानम। ये क्या है? ये तो विमान है। विमान यानी संस्कृत में विमानम, विमान विमानम, हवाई जहाज विमानम। ये तो साइकिल है, ये तो साइकिल है, बाईसाइकिल। साइकिल को, इसका दो चाका है ना, दो चाका होने के कारण द्विचक्रिका, दो चाका होने के कारण द्विचक्रिका। ये देखिए ये क्या है? ये तो नौका है। तो नौका, संस्कृत में नौका ही कहते हैं। हाँ, नावहा, नौका, सेम शब्द है। तो ये याद रखने का बहुत इजी है। ये क्या है? ये तो छकड़ा गाड़ी है, छकड़ा गाड़ी है। ये तो बैल का गाड़ी है। बैलगाड़ी होने के कारण बैलगाड़ी को शकटहा, बैलगाड़ी को हम लोग बोलेंगे शकटहा। नौका तो नौका ही है और बैलगाड़ी को शकटहा। तो रेलगाड़ी को शकट यानम बोल सकते हैं या रेल यानम भी बोल सकते हैं। बाईसाइकिल को, बाईसाइकिल का जो दो चक्का है, इसलिए द्वि, संस्कृत में द्वि यानी दो, चक्रिका यानी चाका, द्विचक्रिका। विमान यानी हवाई जहाज को विमानम, नाव को नौका, या बैलगाड़ी को शकटा। शस्त्र, शस्त्र, शस्त्रास्त्रानी, शस्त्रास्त्रानी हथियार, हथियार सब जनता। ये तो गान है। गान को क्या बोलेंगे संस्कृत में? गान को संस्कृत में बोलेंगे भूषुंडी, संस्कृत में भूषुंडी। गान यानी संस्कृत में भूषुंडी। बंदूक, बंदूक यानी भूषुंडी। ये क्या है? ये तो तोप है, ये तो तोप है। कैनन, कैनन यानी तोप। तोप को शतघ्नि, तो पूरा अभी तो मिसाइल का यह है, युग है। तो तोप, तोप से गोला निकलता है ना, तो इसको बोलते हैं
शतघ्नि, तोप को, ये भी बहुत इजी है, अभी तो इंडिया के पास बहुत सारा तोप है, हाँ, इसलिए तोप यानी संस्कृत में बोलेंगे शतघ्नि। फिर ये देखिए ये क्या है, ये तो धनुष है, धनुष का धनुहू, धनुष को धनुहू, ये क्या है, इसको बोलते हैं कुल्हारा, हिंदी में कुल्हारा, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे, कुठारहा, कुठार भी बोल सकते हैं, और कुठार, कुठारहा, कुठारहा यानी कुल्हारा। ये क्या है, तलवार, शोट, खड़गहा, खड़गहा, तलवार यानी खड़गहा, संस्कृत में खड़गहा, हिंदी में तलवार, इंग्लिश में शोट। तो यहाँ क्या क्या देखा हम लोग, बंदूक यानी भुशुंडी, तोप यानी शतघ्नि, धनुष यानी धनु, कुठार या कुल्हारा यानी कुठार, कुठारहा, और ये है शोट यानी खड़गहा। फिर सभागृहम, ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम, सभागृहम, ड्राइंग रूम, क्या बोल रहे हैं यहाँ, घर में जो रहता है, चेयर, इसको हम लोग चेयर बोलते हैं, चेयर, कुर्सी, कुर्सी को संस्कृत में क्या बोलेंगे, आसंदिका अथवा आसंदम भी बोल सकते हैं, आसंदम। आसंदम भी बोल सकते हैं, आसंदिका यानी कुर्सी, आसंदम यानी कुर्सी। ये क्या है, ये है टेबल, टेबल है, टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं, टेबल को, टेबल को बोलते हैं मेज, मेज बोलते हैं, मनचाहा, मनचाहा, इसको संस्कृत में बोलेंगे मनचाहा यानी टेबल। फिर देखिए, अरे ये तो दूरदर्शन है, हाँ, दूरदर्शन यानी दूरदर्शनम, टेलीविजन यानी दूरदर्शनम, ये तो रेडियो है, रेडियो को क्या बोलेंगे, रेडियो को बोलेंगे आकाशवाणी यंत्रम, आकाशवाणी यंत्रम, तो रेडियो यानी संस्कृत में आकाशवाणी यंत्रम, और टीवी को दूरदर्शनम। ये क्या है, ये तो सबके घर में रहता है, हाँ, पट तो सबके घर में रहता है, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं फूलदान, फूलदान, तो पुष्पाधानम, पुष्पाधानम, इसको संस्कृत में पुष्पाधानम। फिर ये 19 चैप्टर में ये देखिए क्या लिखा है, दुग्ध पदार्थाः, क्या लिखा है, दुग्ध पदार्थाः, दूध की वस्तुएं, दूध से निर्माण हुआ वस्तुएं, मिल्क प्रोडक्ट्स, इंग्लिश में मिल्क प्रोडक्ट, तो क्या है ये, दुग्धम, ये दूध का पैकेट है, दुग्धम, दूध, दूध को संस्कृत में दुग्धम, गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, दूध यानी दुग्धम, संस्कृत में दुग्धम, इंग्लिश में मिल्क यानी दूध। ये क्या है, ये तो है कर्ड, हाँ, कर्ड, कर्ड यानी दही, दही को संस्कृत में दधी, दही, दही यानी दधी, हिंदी में दही, संस्कृत में दधी, और इंग्लिश में कर्ड। फिर ये क्या है, ये तो मक्खन है, बटर है, मक्खन, हिंदी में मक्खन, तो संस्कृत में क्या बोलेंगे, नवनीतम, नवनीतम, संस्कृत में मक्खन को नवनीतम कहता है। ये क्या है, ये तो घी का डब्बा है, तो घी का डब्बा यानी घृतम, संस्कृत में घृतम, घी का डब्बा यानी घृतम। ये क्या है, ये जो महिला कुछ बना रही है, इसको क्या बोलेंगे, छांच, छांच, छांच यानी छांच,
छाना भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं तक्रम। हाँ, तक्रम, छांच, तक्रम। इसका इंग्लिश है WHEY, WHEY, हे, ये है तक्रम। नेक्स्ट देखिए, ज्ञानेन्द्रियाणि, जहाँ से हम लोगों को बाहर का ज्ञान अंदर आता है, जो बाहर का ज्ञान अंदर आने के लिए जितना हमारे शरीर में इंद्रिय है, इसके बारे में यहाँ लिखा गया है। ज्ञानेन्द्रियाणि, ज्ञानेन्द्रिया यानी ये क्या है, नेत्रम, एक को बोलते हैं नेत्रम, तो दो को क्या बोलेंगे, नेत्रे, दो को बोलेंगे नेत्रे, नेत्रे यानी आँख। ये दो कान है, कान यानी कर्णम, कान यानी कर्णम, कान यानी कर्णम, तो दो है इसलिए कर्णम, कर्णौ, क्या है, कर्णौ, कर्णहा, कर्णहा भी बोल सकते हैं, कर्णहा, कर्णहा भी बोल सकते हैं। ये क्या है, ये तो जिह्वा है, जिह्वा भी बोल सकते हैं, रसना भी बोल सकते हैं। जिह्वा भी संस्कृत शब्द है और रसना भी संस्कृत शब्द है। जिह्वा यानी रसना, जहां पर रस रहता है इसलिए रसना। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग केश, केशहा, केशहा यानी बाल। ये क्या है, ये है हस्तहा, हस्तहा यानी हाथ, हस्तहा यानी हाथ। ये क्या है, ये है उदरहा, इसको बोलते हैं उदरहा, उदरहा यानी पेट, उदरहा। ये त्वचा, ये जो चमड़ा को बोलते हैं त्वचा, ये क्या है, ये है पादहा, पादा यानी पैर। ये क्या है, इसको बोलते हैं कटी, इसको बोलते हैं कटी, कटी। ये क्या है, ये है मुखम, इसको बोलते हैं मुखम, मुख को मुखम, मुखम। ये क्या है, ये है कंठा, इसको बोलते हैं कंठा। तो बहुत कुछ है, मतलब एक शरीर में बहुत कुछ है। तो ये केशहा, इसको बोलते हैं मुखम, कंठहा, उदरहा, हस्तहा, कटी, पादहा, त्वचाहा, इसको बोलते हैं बक्षहा, हाँ बक्षहा। ये फिर ये देखिए, यहाँ लिखा है शरीरस्य भागः, शरीरस्य भागः, शरीर के भाग, शरीर के भाग के बारे में यहाँ लिखा गया है, शरीर के भाग। देखिए शरीर के भाग, ये क्या है, सिर है, सिर को संस्कृत में शीर्षम। ये क्या है, ये लिखा है गर्दन, नेक यानी ग्रीवा, गर्दन, नेक, नेक को ग्रीवा बोलते हैं। दो हाथ, हस्तहा, हस्तहा, हस्तौ, दो हाथ को हस्तौ बोलते हैं। पेट, पेट यानी उदरम, पेट यानी उदरम। पादहा, पादहा, पादौ। अभी देखिए राष्ट्र पुरुषहा, राष्ट्र के पुरुष, कुछ राष्ट्र का पुरुष भी है जो अच्छा काम करके गया है भारत में, भारत में रहने वाला कुछ राष्ट्र पुरुष के बारे में यहाँ लिखा है। राष्ट्र के पुरुष ये कौन है, ये श्री राम, श्री राम रावण जैसा राक्षस को मार गिराया है, तो ये कौन है, श्री राम यानी श्री राम। ये कौन है, ये तो जो पर्वत को उठा के ले जा रहा है, इतना बलशाली है, हाथ में एक गदा है, ये कौन है, बानर जैसा है, इसको बोलते हैं भारत का एक शूरवीर श्री हनुमान, इसको बोलते हैं श्री हनुमान। ये कौन है, ये शांति का बात करने वाला, ये एक हमारा भगवान है, एक हमारा भगवान है, इसका नाम है श्री बुद्धहा, श्री बुद्धहा यानी बुद्ध, श्री बुद्धहा, बौद्ध धर्म का एकमात्र भगवान श्री बुद्धहा। ये कौन है, ये तो महावीर है, महावीर, श्री महावीर जैन धर्म का है, महावीर, ये महान वीर है धर्म के बारे में, इसलिए श्री महावीर रहा।
श्री महावीर, ये कौन है? ये तो बांसुरी वाला है, या इसका नाम है श्री कृष्णा। ये सब भारत देश में पैदा होने वाला राष्ट्र पुरुष है, जो राष्ट्रों को आगे ले जाने के लिए बहुत सारा मेहनत किया है। श्री राम, श्री हनुमान, श्री बुद्ध, श्री महावीर और श्री कृष्णा। फिर देखिए, धर्म प्रेरक कहा, जो धर्म का प्रेरक है, हम लोगों को धर्म सिखाया है। धर्म क्या है, मानवता क्या है, ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं क्या है, इसके बारे में जो हम लोगों को सिखाया है, जो हम लोगों को प्रेरणा दी है, उत्साह दी है, वो है ये श्री शंकराचार्य। श्री शंकराचार्य ये भारत में एक महान पुरुष है, भारत का एक महान पुरुष है। इसका भारत को आगे ले जाने के लिए इसका जो मेहनत है बहुत अतुलनीय है। श्री स्वामी विवेकानंद, युवा पुरुष, स्वामी जी। स्वामी जी भारत का एक बहुत ही भगवान जैसा है। हाँ, वह जीव को बहुत ही प्राणियों को बहुत ही प्यार करता था। ये स्वामी जी बहुत ही प्रेरणादायक है हमारे लिए। तो ये कौन है? यह महात्मा ईशा। हाँ, जीशु जीशु ख्रिस्ता। ये भी धर्म का प्रेरक है। ये पूरी दुनिया में इनका बहुत सारा शिष्य भी है। ये महान धर्म प्रचारक है। इसका नाम है महात्मा ईशा। गुरु नानक देवः। गुरु नानक भी हमारे पश्चिमी देश का एक धर्म प्रेरक महान मानव है। स्वामी दयानंद जी। स्वामी दयानंद भी हमारे भारत को आगे ले जाने के लिए बहुत काम किया है। तो ये सब धर्म प्रेरक है, ये सब धर्म प्रेरक है। फिर ये अंतिम जो अध्याय है, इसमें हम देखेंगे जो देश नायक है, देश को स्वतंत्र दिलाने के लिए जो अपना प्राण को बलिदान किया है, प्राण को दान किया है, हम लोगों को सही तरीका से चलने का जो सिखाया था, सही तरह से जो चलने का प्रयास किया था, सिखाया था हम लोगों को, जो देश को आजाद किया। राम प्रसाद बिस्मिल्ला। राम प्रसाद बिस्मिल्ला। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। पुंगलिंग शब्द के पीछे अगर विसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा पुंगलिंग शब्द। जैसे रंजना, रंजन यानी रंजना, प्रणव यानी प्रणव, शंकर यानी शंकर, ऐसे। फिर भगत सिंह, वीर भगत भगत सिंह। सुभाष चंद्र वसु। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र वसु। महात्मा गांधी ही। महात्मा गांधी हमारे देश को स्वतंत्र दिलाया है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आजाद और वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। इसको संस्कृत में महात्मा गांधी ही, सुभाष चंद्र वसु, भगत सिंह। हा, तो ऐसे। तो ये है हमारा आज का वीडियो। तो अगर गलती है तो माफ़ की दीजिए, माफ़ कर दीजिए। ये नया वीडियो है मेरा, आप लोग देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक अवश्य ही कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। सभी लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है संस्कृत को आगे ले जाने के लिए। संस्कृत एक पुराना भाषा है, उसको आगे ले जाना ही है। हाँ, तो और भी वीडियो मैं बनाऊंगा, आप देखते रहिए। नमस्ते।